दुनिया में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जो कि किन्हीं कारणों से डरावने और श्रापित माने जाते हैं। इनमें से तो कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं जहां असाधारण रूप से ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों को इन इमारतों में मौजूद शक्तियों का आभास हुआ है। कुछ लोगों को तो ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो काफी समय पहले ही मर चुके थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में जिन्हें श्रापित माना जाता है। नंबर वन, व्हाइट हाउस। दुनिया के ऐसे ही स्थानों में अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस को भी गिना जाता है। सभी जानते हैं कि इस भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की आत्मा आज भी यहीं रहती है। एडम्स ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत से लोगों ने यहाँ अक्सर ऐसे बूढ़े व्यक्ति को घूमते हुए देखा है जो एक ही नज़र में आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ लोग इस बूढ़ी परछाई को अब्राहम लिंकन की आत्मा कहते हैं, लेकिन इस परछाई के पहनावे से और व्यवहार से इसे जॉन एडम्स का ही प्रेत कहा जाता है। नंबर टू, द शूनर होटल। इंग्लैंड में विश्व का सबसे पुराना और भूतिया स्थान है। इस होटल में किंग जॉर्ज और फेमस राइटर चार्ल्स डिकेंस रुकते थे। उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था और आज भी यह होटल 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ ठहरना है तो आपको अपने जोखिम पर ठहरना होगा। ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का दावा है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं, कि उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि इस होटल में कमरे 17 नंबर और 28 नंबर बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि इनमें ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा सका। नंबर थ्री, लालोरी हाउस। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस लुसियाना में सन 1800 के शुरुआती दौर में इस घर में मैडम लालोरी रहा करती थी। कहा जाता है कि दुनिया के सामने वह एक बहुत अच्छी महिला के तौर पर पेश आती थी, लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक किया करती थी। कहते हैं कि एक रात उनके एक गुलाम ने उनके घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर लालोरी की मौत हो गई। लेकिन उनकी आत्मा आज भी इसी इमारत में भटकती है जो कि एक होटल बन गया है। उसकी आत्मा होटल में आने वाले लोगों को डराती है। लोगों ने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं जो सुनने में बेहद डरावनी हैं। नंबर फोर, द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक हस्तियों को बंदी यानी कि कैद करके रखा जाता था, जिसमें कई बंधकों के सिर काट दिए गए या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं मरे हुए बंधकों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती है। लोगों ने कई बार यहाँ दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है और कटे सिर वाले शरीर को घूमते देखा है। नंबर फाइव, आइलैंड ऑफ डॉल्स। मैक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर गुड़िया यानी डॉल्स पेड़ों पर लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती हैं, और इन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी के साथ सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता था, पर वही किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली। जूलियन को लगा कि वह इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए वह पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक वह मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। अगर आप ऐसी ही हॉरर वीडियोस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।